मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हम पादपों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा शैवाल, उसके बाद पढ़ा हमने ब्रायोफाइटा, उसके बाद पढ़ा हमने टेरिडोफाइटा, और आज हम इसी के अंतर्गत एक और पढ़ने जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, इसलिए हम इसका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, और जब इसका डिटेल चैप्टर आएगा उसमें हम इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अनावृत बीजी क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? इसको थोड़ा सा थ्योरिटिकल मैंने रखा है ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें, इसलिए इसको मैंने थ्योरिटिकल रूप से प्रेजेंट किया है। चलिए शुरू करते हैं। स्पर्मेटोफाइटा पहले क्या वर्ड है? स्पर्मेटोफाइटा वो वर्ड कहलाता है जिसके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में क्या उत्पन्न होना चाहिए, बीज उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन पौधों को सीडेड प्लांट या बीजी पौधे भी कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब हम अगर देखें तो स्पर्मेटोफाइटा को दो ग्रुप्स में बांटा है, पहला अनावृत बीजी और दूसरा आवृत बीजी। अनावृत बीजी इसको बोला जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में आप बहुत अच्छे से नोन है, अभी हमने पुष्पों में लैंगिक प्रजनन का जब अध्ययन किया था उसमें ये आवृत बीजी वाला पार्ट अच्छे से किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म दो भागों से बना है। जिम्नो का मतलब होता है जिम्नोस ग्रीक भाषा में, जिसका अर्थ होता है नेकेड, न्यूड या नग्न, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड या बीज, अर्थात ये नग्न बीजी पौधे हैं। इसमें जो बीजाणु या जो ओव्यूल रहता है अथवा उनसे जो बीज का विकास होता है, या तो ओव्यूल समझ लें या विकसित हुआ बीज, उसमें कोई भी अंडाशय या फल में बंद नहीं होते हैं, अर्थात इसमें अंडाशय की भित्ति में बंद नहीं होते हैं। अब अगर हम बोले कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट रहते हैं, जैसे कि एंजियन का अर्थ होता है अवैसल या आवरण, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड, इसमें जो पौधे होते हैं वो बीजांड अथवा बीज जो है अंडाशय अथवा फल में बंद रहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में अंडाशय नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, ये याद रखना है। अनावृत बीजी पौधों में अंडाशय नहीं होता, जबकि आवृत बीजी पौधों में अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ओवरी अंडाशय काफी विकसित रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जिम्नो शब्द का, जिम्नोस्पर्म शब्द का उपयोग किसने किया था, ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है। तो जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम उपयोग थियोफ्रास्टस ने किया था, अर्थात उन किसको कहा कि जो बीज असुरक्षित हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई आवरण नहीं है, इसलिए उनको असुरक्षित बीज माना था। इसके बाद गोविल ने भी अंडाशय रहित फेनेरोगैम्स कहकर इनका परिचित किया। अब हम देखें कि जो अनावृत बीजी या जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये सबसे एंशियंट या सबसे पुराने पौधे हैं। विकास की दृष्टि से इनके जो सदस्य हैं वो टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी पौधों के बीच की स्थिति रखते हैं, मतलब इनके बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेट करते हैं। अब हम देखेंगे अनावृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषताएं, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो पहला, पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय, पेरेनियल और वुडी यानी काष्ठीय होते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं, इसलिए पौधे प्राय बहुवर्षीय और काष्ठीय होते हैं। पौधे प्राय मरुद्भिद यानी जीरोफिटिक स्वभाव के होते हैं, मतलब जो डेजर्ट एरिया वगैरह है वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। थर्ड देखें, मुख्य पौधा जो है वो बीजाणुद्भिद होता है, जो जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। अभी तक हमने देखा ब्रायोफाइट में मुख्य पौधा कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है, टेरिडोफाइट में क्या होता है, बीजाणु स्पोरोफिटिक होता है, और यहाँ पर भी जो मुख्य पौधा है वो बीजाणुद्भिद होता है, और तीनों चीजों में अर्थात इसमें प्रॉपर रूट, शूट और लीफ, ये तीन सिस्टम में ये पूरा क्लियरली डिफाइन होता है। जड़े या जो रूट होती है वो मूसला एवं ब्रांच, या तो टैप रूट पाई जाएगी इस प्रकार से, या फिर ब्रांच में कहा जाए तो इस प्रकार से पाई जाएगी ये रूट। तने जो होते हैं वो ऊर्ध्व यानी इरेक्ट खड़े, ब्रांच और कभी कभी सीधे भी होते हैं साइकस जैसे प्लांट में।
फिर देखें पत्तियां एक प्रकार की अथवा दो प्रकार की होती हैं। फोलियस पत्तियां ये हरी सरल अथवा संयुक्त होती हैं। ये पत्तियों के प्रकार हैं, पहला फोलियस टाइप लीफ और दूसरा शल्क पत्ती। शल्क पत्ती जो स्केली लीफ होती है वो सूक्ष्म सूखी तथा भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि ये पानी जो होता है इसमें से जो पानी का अवशोषण होता है वो कम हो सके। अब हम देखें गणनीटेस को छोड़ करके जाइलम वाहिनियों तथा जाइलम लदूतक का बना होता है, अर्थात जाइलम ऊतक में वाहिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट देखते बच्चों, फ्लोएम चालनी कोशिकाओं तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है, अर्थात फ्लोएम ऊतक में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। लगभग सभी पौधों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है सेकेंडरी ग्रोथ, जो मतलब उच्च प्राण क्वालिटी के जो पौधे हैं उच्च श्रेणी के उनमें पाई जाती है। पौधे विषम बीजाणु अर्थात हेटरोस्पोर्स होते हैं, जैसे गुरु एवं लघु बीजाणु धानिया क्रमशः गुरु एवं लघु बीजाणु पर्णों पर पाई जाती है, जो क्या करती है शंकु या स्ट्रॉबिलस का निर्माण करती है। कौन स्टेज पाई जाती है, ये एक स्पेशल फीचर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सामान्यतया शंकु एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं। लघु बीजाणु पर्णों से नर शंकु एवं गुरु बीजाणु पर्णों से मादा शंकु बनते हैं। गुरु बीजाणु पर्णों पर बीजांड नग्न रूप में पाए जाते हैं, जो सीधे स्ट्रेट या ऑर्थोट्रॉपस होते हैं तथा नीटेल्स के सदस्यों को छोड़कर केवल एक अध्यावरण द्वारा घिरे रहते हैं। ये बेटा वन मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 13 नंबर का हम देखें, लघु बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जो विभिन्न अवस्थाओं पर लघु बीजाणुओं से मुक्त होते हैं। गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का होगा, जैसा कि हमने अभी बाकी इसमें पढ़ा, या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। भ्रूण पोष के ऊपरी सिरे पर दो या दो से अधिक स्त्रीधानियां उत्पन्न होती हैं। स्त्रीधानी में ग्रीवा नलिका कोशाएं नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों में वायु परागण होता था, जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एयर द्वारा। ये हमें ध्यान रखना है। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, पर लेकिन जो मैच्योर सीड रहता है उसमें केवल एक ही भ्रूण विकसित होगा और नहीं होंगे। पौधे में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इनमें मुख्य अवस्था बीजाणु भेद होती है तथा युग्मकोद्भिद अवस्था बहुत कम विकसित होती है। तो ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखेंगे अनावृत बीजी पौधों का आर्थिक महत्व, अर्थात इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, कि इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो पहला देखें, अनावृत बीजी पौधे संसार के अधिकांश स्थानों पर पाए जाते हैं, वहां इनका सबसे अधिक उपयोग जो है बेटा वो है लकड़ी प्राप्त करने में, मतलब काष्ठ प्राप्त करने में। ये इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन कर रहे हैं जिससे याद रखना। जैसे सिड्रस देवदारा से देवदार की लकड़ी प्राप्त होती है, पाइनस रॉक्स बरगाई से हमको चीड़ की लकड़ी प्राप्त होती है, जो कि बहुत मजबूत होती है और आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर उपयोग की जाती है। फिर दोबारा दूसरा देखते हैं, साइकस रिवोल्यूटर का जो प्लांट है इसके तने से हमको साबूदाना या सैगो प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है तीसरा, पाइनस जेराल्डियाना का जो प्लांट है इसके बीज को हम क्या बोलते हैं, चिलगोजा बोलते हैं, जो बहुत पौष्टिक होते हैं और ड्राई फ्रूट की तरह यूज होते हैं। ये वन मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आएंगे, आप अच्छे से याद रखिए, और नीट एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखते हैं, साइकस रम्फाई के बीजों को अंडमान द्वीप समूह में बहुत सी जो मनुष्य की जातियां हैं वो उसको उबाल कर खाती हैं, मतलब ये खाने के रूप में उपयोग होता है। फिर अगर हम देखें एबीज बालसेमिया का जो प्लांट है उससे जो रेजिन मिलता है वो कनाडा बालसम के रूप में माउंटिंग मीडियम की तरह यूज होता है। अगेन आप देखें तो जो तारपीन का तेल हमको जो प्राप्त होता है वो पाइनस के रेजिन से हम प्राप्त करते हैं। एफेड्रा से जो औषधि प्राप्त होती है उसको एफेड्रिन बोलते हैं, और ये किसके लिए यूज होती है, खांसी व दमे के लिए यूज होती है, इसके उपचार में यूज होती है। अनेक अनावृत बीजी
सजावटी यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, जैसे एरकेरिया एरोकेना, एरोकेरिया एक्सलेक्सा एक्सेल्सा, जिसको क्या बोलते हैं क्रिसमस ट्री, ये पूछा जाता है कि क्रिसमस ट्री का वानस्पतिक नाम बताइए, तो क्या नाम हो जाएगा, एरोकेरिया एक्सेल्सा, साइकस, थूजा, पाइनस, ये सारे जो हैं एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज होते हैं। और जो थूजा नाम का जो प्लांट होता है, इससे अनेक प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो बच्चों ये था अनावृत बीजी पौधों के बारे में और उनकी विशेषताओं और आर्थिक महत्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आवृत बीजी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।